subscribe to our Education Techno and press on bell icon so that you will get all our video notifications on your smartphone. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और एजुकेशन की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो रिमोट है इस Redmi Note 5 में आप किस तरह यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस रिमोट को सेटअप कर लेते हो तो आप अपने घर में जो भी सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रिमोट से चलती है, जैसे कि टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फैन हो, कोई बहुत सारी चीजें, वो आप अपने फोन से ही इस्तेमाल मतलब ऑपरेट कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि इस तरह आप MI रिमोट का यूज कर सकते हो आपको, और मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपको टीवी के साथ कनेक्ट करना है, सेटअप करना है, तो किस तरह आप इसे कर पाते हो। तो सबसे पहले तो आपको MI रिमोट ओपन करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको डोंट एग्री एग्री आता है, आपको एग्री करना है और यहाँ पे आपको ऐड रिमोट करना है। तो आपको कौन सा रिमोट ऐड करना है तो आप करिए ऐड रिमोट, और बाद में आपको बहुत सारी ऑप्शन देखो दिए गए, आप देख सकते हो कि क्या क्या रिमोट आप लगा सकते हो, जैसे कि MI टीवी के लिए, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्स, AC, फैन, स्मार्ट बॉक्स, AV रिसीवर, DVD प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा। तो हमें मान लो कि अभी हमें टीवी का कोई रिमोट ऐड करना है तो हमें बहुत सारे टीवी का ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे टीवी हैं, लेकिन हमें सिर्फ सर्च करना है आपकी जो भी टीवी हो। जैसे कि जो मेरी टीवी है उसका नाम है व्यू, तो अगर मैं व्यू करता हूँ तो आप देख सकते हो व्यू का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके बाद आपको क्या चीजें करनी है, तो आपको ये सभी जो सेटअप से आपके टीवी के सामने करना है रिमोट को लेके, तो ये आपको मैं दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप कैसे रिमोट का यूज आपके टीवी के लिए, AC के लिए, या सभी सारी जो चीजें रिमोट से चलती है उनके लिए कैसे आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा गया है इस टीवी ऑन, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा टीवी ऑफ है, तो हम करेंगे ऑफ। जैसे आप ऑफ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको जो पावर बटन पे क्लिक करना है टीवी की तरफ। तो जैसे आप देख सकते हो मैं पावर बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे टीवी की तरफ, तो आप देख सकते हो कि जो टीवी है वो अभी ऑन हो चुकी है। तो मैंने ये मोबाइल से ही मेरी टीवी को ऑन कर लिया है। तो आप इस तरह टीवी को रिमोट से कनेक्ट कर सकते हो अपने Redmi Note 5 से। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, और यहाँ पे दिया है कि डज डिवाइस टर्न ऑफ, हाँ तो हुआ है, ऑन हुआ है, यस। और इसके बाद आपको जो भी नाम देना है आपकी आपके इस रिमोट को, आप कुछ भी दे सकते हो, जो मानना है कि लिविंग रूम देना है, और ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो पूरा रिमोट है यहाँ पे बन गया पूरा रिमोट। आप देख सकते हो मेनू, म्यूट, सब ऑप्शन वहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मेनू का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, आप मेनू पे क्लिक करके आप देख सकते हो टीवी मेनू का ऑप्शन आ चुका है। अब जैसे मेनू पे क्लिक करते हो मेनू का ऑप्शन चला जाता है। तो इस तरह आप बहुत सारे जो ऑप्शन है आपके रिमोट में, जो ऑप्शन है यहाँ से आप यूज कर सकते हो। एक्स्ट्रा बटन जो भी होंगे यहाँ पे, बहुत सारे एक्स्ट्रा बटन है, इमेज, टीवी, साउंड, टीवी, AV, यहाँ से आप कर सकते हो। आपको टीवी की ओर ये रिमोट रखना है डायरेक्शन करके, तो आप देख सकते हो कई बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको रिमोट में मिल जाएंगे। आप अपना टीवी या फिर AC आपके इस Redmi Note 5 से कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप बिना रिमोट के अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हो अगर आपके पास Redmi Note 5 है तो।